हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंडियन पेंटिंग स्टाइल्स करेंगे, पर्टिकुलरली फॉक पेंटिंग स्टाइल्स ऑफ इंडिया. फॉक पेंटिंग स्टाइल्स ऑफ इंडिया एज द नेम सजेस्ट, जो लोकल कल्चरल स्टाइल हैं, इट्स नॉट पैन नेशनल और पैन इंडियन स्टाइल्स. ये जो लोकल अलग अलग इंडिया के रीजन्स में कल्चर में हिस्टोरिकली डेवलप हुई हैं. अगर हम इंडियन पेंटिंग स्टाइल्स की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए और बाकी एग्ज़ाम्स जहाँ पे जनरल स्टडीज़ पूछी जाती है, तो कल्चर के भीतर आता है, इंडियन कल्चर के भीतर ये सब टॉपिक है इंडियन पेंटिंग स्टाइल्स. तो इसमें हमें एक चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि जो इंडियन पेंटिंग है वो ओवरऑल एज ए होल क्लासीफाइड की जाती है दो ब्रॉड ग्रुप्स में. पहला जो ब्रॉड ग्रुप है वो है म्यूरल पेंटिंग और दूसरा ब्रॉड ग्रुप है वो है मिनिएचर पेंटिंग. अभी हम लोग इस प्रेजेंटेशन में आगे जाएंगे, बट अभी हमें ये सिर्फ दो वर्ड पता होने चाहिए, म्यूरल पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग. म्यूरल पेंटिंग क्या होता है और मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है? म्यूरल पेंटिंग वो आर्टवर्क होता है जो कि सॉलिड स्ट्रक्चर्स की वॉल पे किया जाता है, जैसे कि अजंता केव्स, अजंता और कैलाशनाथ टेम्पल. थोड़ा बहुत भी अगर आपको इंडियन कल्चर के बारे में पता होगा तो अजंता केव्स और कैलाशनाथ टेम्पल का आपने सुना होगा. तो अजंता केव्स और कैलाशनाथ टेम्पल में क्या है, वहाँ पे जो उनकी वॉल्स है उसी पे पेंटिंग हो रखी है, वॉल पेंटिंग एक तरीके से बोल सकते हैं. तो जो वॉल पेंटिंग होती है वो म्यूरल कहलाती है, म्यूरल. और मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, जैसे वो पेंटिंग जो हम लोग अपने घरों में लगाते हैं बाहर से लाके, जो कि वॉल पे नहीं होती, वो बाहर हमने एक पेपर पे या क्लॉथ पे किसी एक छोटे मिनिएचर फॉर्म में हमने एक पेंटिंग ड्रॉ कर ली और उसको हमने अपने वॉल पे लगा दिया, उस टाइप की जो पेरिसेबल मटेरियल्स हो गए, पेपर और क्लॉथ, स्मॉल स्केल पेंटिंग्स जो होती हैं वो मिनिएचर पेंटिंग कहलाती हैं. तो पहले तो हमें ये वर्ड पता होना चाहिए, म्यूरल पेंटिंग एंड मिनिएचर पेंटिंग. अगर ऑप्शन आए कि ये म्यूरल है या मिनिएचर है तो आप आइडेंटिफाई कर सको. म्यूरल वो जो कि सॉलिड स्ट्रक्चर की वॉल पे होती हैं, जैसे अजंता व कैलाशनाथ. मिनिएचर वो जो कि हम लोग स्मॉल स्केल पे पेरिसेबल मटेरियल पेपर या क्लॉथ पे बनाते हैं, और इनके हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे. तो जो इंडियन पेंटिंग स्टाइल्स है वो अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, केव पेंटिंग से लेके अभी मॉडर्न जो पेंटिंग स्टाइल्स हैं वहाँ से लेके काफ़ी डेवलप होती हुई आई है, और उसमें काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसेस बाहर के और लोकल कल्चर के पड़ते रहे हैं. बट अभी हम लोग लोकल जो स्टाइल्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. तो लोकल स्टाइल्स में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्टाइल्स जो है वो डिस्कस करेंगे. तो जो पहली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्ली फॉक आर्ट. वर्ली आपको पता होगा, महाराष्ट्र में एक जगह है, एक पर्टिकुलर ट्राइब भी है और एक पर्टिकुलर लोकेशन भी है वर्ली. ये माउंटेन्स और कोस्ट में महाराष्ट्र के डेवलप हुई है स्टाइल. दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेट्स बैक टू 2500 एंड 3000 BC, मतलब काफ़ी पुरानी स्टाइल है. आप देख रहे हैं कि ये करीब 2500-3000 साल पुरानी स्टाइल है. ये कुछ कुछ सिमिलर है महाराष्ट्र में ही. आप तो देखो जो रॉक आर्किटेक्चर या रॉक, मैंने अभी आपको बताया था वहाँ पे पेंटिंग जो मिलती है उस टाइप का, म्यूरल पेंटिंग टाइप की कुछ कुछ है. और मध्य प्रदेश में भीम बैठका अगर आप उससे देखो तो उस टाइप से भी आपका इनका सिमिलरिटी है. ये ट्रेडिशनली मड वॉल पे की जाती है और बहुत बेसिक ग्राफिक्स यूज करते हैं, सर्किल, ट्राइंगल, स्क्वायर. अगर आप देखो लेफ्ट में एक फिगर बना हुआ है तो देखो, तो ग्राफिक्स में आप देखो सर्किल, ट्राइंगल, पेंटागन, इस टाइप के सिंपल से इनकी ग्राफिक्स है. और दूसरा इसमें क्या है कि जो गॉडेस का उस समय गॉडेस वर्शिप की थी उस समय कल्चर, तो वो हमेशा वाइट कलर में होती है. और ये वाइट कलर को, क्योंकि वल्ली जो उनकी कस्टम्स है, कल्चर है, वाइट कलर को सेक्रेड और पायस मानते हैं. बाकी जो फिगर्स होते हैं वो रेड और येलो में या नेचुरल कलर्स यूज करते हैं. बाकी उस समय आर्टिफिशियल कलर तो नहीं होंगे, तो नेचुरल कलर्स रेड और येलो. और जो पेंटिंग्स हैं वो कोई इपिक या माइथोलॉजी नहीं है. जो पेंटिंग का सबसे मेन चीज़ होता है कि फोकस क्या है, तो वल्ली फॉक आर्ट का जो मेन फोकस है वो सोशल लाइफ है, वो कोई इपिक या माइथोलॉजी नहीं है. अब देखो इसमें जो लेफ्ट में बनी है वो सिंपली उनके लाइफ स्टाइल, जो कैसे रह रहे हैं, वो रहन सहन के बारे में है, उनकी लाइफ स्टाइल है जो डे टू डे होती है. ये कोई रिलीजियस या माइथोलॉजिकल करेक्टर्स नहीं है. नेक्स्ट अगर हम लोग स्टाइल पे आगे बढ़ें, फड़ पेंटिंग्स राजस्थानी पेंटिंग है. वैसे राजस्थान में कई सारी
पेंटिंग स्टाइल है, राजपूताना स्टाइल भी है, बाद में हम लोग करेंगे। वैसे एक पूरा ओवरऑल मैक्रो हम इनको राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी बोलते हैं, तो राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग एक सब पेंटिंग बोल सकते हैं, फल पेंटिंग्स। ये करीब 700 साल पुरानी है, और ये आप 700 साल पुरानी है तो जिस समय राजपूत रूल कर रहे थे, मुगल राजपूत इंडिया में, उसी समय की टाइम की है, राजपूत रूलर्स के टाइम की, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया था। इसमें स्क्रल होते हैं, फल स्क्रल, स्क्रल आपने देखा होगा, एक रोल करके हम एक पेपर को रख देते हैं फिर उसको खोलते हैं, वैसे स्क्रल्स होते थे, वो काफ़ी लंबे, मतलब 30 फीट लॉन्ग तक स्कल्स हो सकते थे, उनको खोलते थे तो उसमें पेंटिंग बना के फिर उसको स्कल फॉर्म में रख लेते थे और इस तरह से एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते थे, उस टाइप से थी। वेजिटेबल कलर्स यूज करते थे, स्कल मैंने बताया था क्लॉथ के स्कल्स यूज होते थे, तो पेंटेड ऑन क्लॉथ, कुछ इनके जो मेन पॉइंट्स वो बताने चाहिए, पेंटेड ऑन क्लॉथ। स्पेसिफिक कलर स्कीम थी कि मतलब इस चीज के लिए हम लोग किंग है तो ये कलर यूज करेंगे, कोई हॉर्स है तो ये कलर यूज करेंगे, तो हर एक एक कलर स्टाइल थी, हर एक पार्ट ऑफ पेंटिंग के लिए स्पेसिफिक एक कलर स्कीम थी। फिर फल जो फोकस क्या करते थे, दिखाते क्या थे, मतलब उनकी जो थीम होती थी वो क्या होती थी, थीम होती थी हेरोइक डीड्स एंड एक्सप्लॉइट्स ऑफ द रूलर्स एंड वॉरियर्स। तो मैंने